नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे प्रीमा प्लास्टिक लिमिटेड। तो शेयर में आने वाले टाइम में अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ गए और रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए और कंपनी ने साथ ही डिविडेंड भी दिया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे और पूरा एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कंपनी ने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। और उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के रिजल्ट की, तो आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर की तुलना में इस बार कंपनी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए हैं। प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। अब की बार 3.38 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछली बार 5.70 करोड़ का था, यानी 40% की गिरावट। लेकिन नेट इनकम, कंपनी की नेट इनकम में आप देख सकते हैं थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है 1.35% की। इसके अलावा हम बात करें पिछले साल के मार्च क्वार्टर की तुलना इस साल के मार्च क्वार्टर से, तो आप देख सकते हैं पिछले साल जो टोटल इनकम थी कंपनी की वो लगभग 33.24 करोड़ थी, जो अब की बार 37.62 करोड़ हो गई है। लेकिन प्रॉफिट पिछली बार 3.63 करोड़ था, जो अब की बार 3.38 करोड़ रह गया। तो यहाँ पर हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहे क्वार्टर फोर की तुलना में पिछले साल के क्वार्टर। लेकिन अगर आप देखो ईयर टू ईयर बेसिस, तो पिछले साल की तुलना में इस बार कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट दिया। पिछली बार, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 127 करोड़ का रेवेन्यू था, जो अब की बार 119 का रह गया। लेकिन प्रॉफिट अब की बार 15 करोड़ हुआ है, जो पिछली बार 10 करोड़ था। तो यहाँ 48% की तेज़ी देखी गई है। तो ईयर टू ईयर बेसिस कंपनी ने खास अच्छा खासा रिजल्ट दिया दोस्तों। तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, तो हम कह सकते हैं आने वाले टाइम में कंपनी में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस वीडियो के जरिए मैं किसी भी शेयर को खरीदने बेचने को होल्ड करने की सलाह नहीं देता हूँ। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट।